परेशान है हम लोग, सब लोग जा रहे हैं ढूंढने के लिए, पता नहीं कहाँ चल रहा है यार। तो फाइनली यार गाइस अभी सारा तो मिल नहीं रहा, हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं आगे भाई मिल जाएगा यार, क्यों चिंता ले रहे हो यार, मिल जाएगा, आ जाएगा। अरे गया है, इतना प्यार करता है वो तुमसे, आ जाए। नमस्ते, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। अभी अभी आपने शुरू में एक इंट्रो देखा कि आरिफ भाई का सारस गुम हो गया है। जैसे ही ये खबर आरिफ भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया, हम लोग हैरान हो गए कि एक पंछी जो इतनी शिद्दत से आरिफ को चाहता है वो भला कैसे गुम हो जाएगा। बाद में क्या हुआ इस खबर में आप बने रहिएगा, हम आखिर में आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक तस्वीर हमने और देखा जिसमें ये देखा गया कि आरिफ बर्थडे मना रहे हैं और उनके फैंस खूब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया। पता ये चला कि ये सारस के बर्थडे का एक केक काटा जा रहा है। ये भी इसके पीछे की क्या वजह है, वो कैसा था, किस तरीके का था वो वीडियो, इस वीडियो में आखिर तक बंद रहिएगा, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। आरिफ और सारस की दोस्ती आजकल दुनिया में बेमिसाल हो गई है। लोग उसे एक नाम देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं कि इस दोस्ती को क्या नाम दें। केवल इंडिया ही नहीं, विश्व में ये पूरी दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है और एक दिग्गज से दिग्गज नेता उनके घर पहुंच रहे हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आरिफ से मिलने गए थे। ये अलग बात है कि वहाँ जैसे अखिलेश यादव आरिफ से मिलने पहुँचे, लोगों ने उसे राजनीति से जोड़कर देख लिया कि अखिलेश यादव को प्रयागराज में हुई पाल हत्याकांड में उनके परिजनों से मिलना चाहिए, लेकिन अफसोस कि अखिलेश यादव वहाँ नहीं गए। अलग मैटर है, ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ को राजनीति से जोड़ के देखा जाए। आरिफ और सारस की वो मोहब्बत थी जो अखिलेश यादव को वहाँ तक खींच करके ले गई थी, सांत्वना भी दिए और लोगों को एक संदेश भी दिए कि अगर कुछ सीखना है तो आरिफ और सारस की दोस्ती से मनुष्य को सीखना चाहिए। इस वीडियो में कुछ हम झलकियाँ दिखा रहे हैं जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि क्या सारस इतना बढ़िया नृत्य भी करता है, वो भी केवल मात्र आरिफ के एक ताली बजाने पर। तो चलिए आपको हर उस तस्वीर से रूबरू कराते हैं और आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। ये वो तस्वीर है जो आरिफ और आरिफ की दोस्तों ने केक काटकर जश्न मना रहे थे। और ये वो तस्वीर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सारस गुम हो गया है। इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से आरिफ और सारस खेत में खेल रहे हैं। आरिफ और सारस का ये प्यार देखकर लोग सोचने पर मजबूर हैं कि भला एक पक्षी और मनुष्य के बीच इतनी गहरे प्रेम कैसे, इसके पीछे की क्या वजह है। ये देखिए किस तरीके से हाथ पर लेकर उड़ा रहे हैं और जब ताली बजाते हैं तो सारस नृत्य भी करता है। ये तस्वीर ने तो सबका दिल छू लिया था। आरिफ जब खाना खाते हैं तो उसी थाली में सारस भी खाता है, कोई भेदभाव नहीं। इस पक्षी के प्रति सारस का प्रेम अटूट है और ऐसे प्रेम को हम तहे दिल से सलाम करते हैं। दिल को मोहने वाली ये तस्वीर उस वक्त की है जब सारस खाना खाने बैठते हैं और बिना पूछे बिना किसी आपत्ति के आरिफ अपने थाली में उसको खिलाते हैं। इस तस्वीर को ज़रा देख लीजिए एक बार, लगभग 40 की स्पीड में उड़ता हुआ यह सारस, उसे लग रहा है कि आरिफ मुझे कहीं छोड़ के जा रहे हैं। ये तस्वीर को देख लीजिए, लोग मिलने आते हैं तो सारस उनके साथ मस्ती करता है और लड़कियों को आरिफ के इर्द गिर्द मुड़ने नहीं देता है, घूमने नहीं देता है। इस तस्वीर में आप साफ देख रहे हैं कि केक काट करके सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमने जब इसकी वजह पूछी और आरिफ भाई से हमने बात की तो पता चला कि उनकी इंस्टाग्राम पर 1,00,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स होने के बाद आरिफ ने अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाया था। टेलीफोनिक वार्ता के दौरान हमने आरिफ से बात किया
तो सारस को गुम होने वाली जो खबर थी वो झूठी निकली। ये जरूर था कि सुबह सुबह सारस कहीं चला गया था और आरिफ भाई की जैसे नींद खुली वो हैरान हो गए थे, लेकिन फिर दोस्तों के सहारे उसको ढूंढ लिया गया। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत की कहानी आपने तो बहुत सुनी होगी, नाम भी अनेकों दिए होंगे, लेकिन इस दोस्ती को आप क्या नाम देंगे जो सबसे अलग हो, सबसे हटके हो, यूनिक हो, वो कमेंट सेक्शन में प्यारे दोस्तों ज़रूर बताइएगा।